अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल समी। आप देख रहे हैं MES क्राफ्ट डिजाइनर चैनल। अगर आप क्राफ्ट डिजाइनर से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी इमेज का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं बगैर फोटोशॉप यूज़ किए, बगैर कोरेलड्रॉ यूज़ किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वो दो इमेज दिखा देता हूँ जिसको मैंने PNG करना है। ये दो इमेज है मेरे पास, ये एक मॉस्की और एक बुक वाली। इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इनको प्लेस कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि आपको मैं इलस्ट्रेटर पे PNG करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ जैसा आपको दिखा रहा हूँ कि ये दो इमेज है, इनका बैकग्राउंड लगा हुआ है। ये भी मेरे पास JPG फॉर्मेट में है, इनको मैंने PNG में कन्वर्ट करना है। तो इनको मैं रिमूव करता हूँ अभी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे गूगल पे आके लिखना है रिमूव BG। ये रिमूव पे ने बिजली लिखी है, इसको एंटर कर देना है। तो उसके बाद आपको ये फर्स्ट पे ऑप्शन आ रही होगी रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज रिमूव BG वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा आपके पास। आपको जैसे यहाँ पे राइट पे ऑप्शन नज़र आ रही होगी अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है। तो अपलोड करने के बाद आपसे यह पूछेगा कि आपने कौन सी इमेज अपलोड करनी है। तो आप जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करें। तो यहाँ पे मैं बुक वाली इमेज को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे बुक मेरी ये बुक वाली इमेज अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पे देखें, आपको ये PNG में नज़र आ रही है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ओरिजिनल पिक्स हमारी ये दिखा रहा है, ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल पिक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। तो देखें, उसने हमारी जो बुक वाली इमेज थी उसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर दिया है। उसके बाद इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड का बटन है राइट साइड पे, आपको नज़र आएगा ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें नीचे, यहाँ पे बुक जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ वाली इमेज डाउनलोड हो गई है। तो इसके बाद मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ और यहाँ से फाइल पे आता हूँ, प्लेस पे, और यहाँ पे मैं वो इमेज प्लेस कर लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया। ये मेरे पास बुक वाली इमेज आ गई, इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखें, आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है जस्ट एक क्लिक पर। हमें कोई फ़ोटोशॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोरेलड्रॉ, जस्ट एक क्लिक से ही हमारी PNG इमेज बन गई। मैं आपको उसका बैकग्राउंड लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। तो देखें, आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके अलावा मैं एक और इमेज है उसका भी करके दिखाता हूँ आपको। मैं दोबारा क्रोम पे आता हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, दोबारा यहाँ पे अपलोड इमेज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और इमेज है वो मॉस्की वाली, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोड हो रही है, थोड़ा टाइम लेगी इमेज, अगर ज़्यादा रेजोल्यूशन में है थोड़ा टाइम लेगी। तो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड की तो उसने साथ ही लेफ्ट साइड पे इमेज दे दी रिमूव बैकग्राउंड के नाम से। ये देखें, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ओरिजिनल पिक्स आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये हमारी ओरिजिनल पिक्स है और रिमूव उसने बैकग्राउंड करके हमें यहाँ पे दे दी। और जब आप अपलोड करेंगे जस्ट, तो आपका वो ऑटोमेटिक ही आपका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगा। सिर्फ आपको अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये नीचे डाउनलोड होगी। अब मैं रजिस्ट्रेटर ओपन करता हूँ, यहाँ पे इस इमेज को प्लेस करता हूँ। ये मेरे पास मॉस्की वाली इमेज, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ये बुक वाली इमेज को मैं नीचे करता हूँ, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका पीछे से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अभी हमारे पास PNG फॉर्मेट में इमेज आ गई है। तो इस तरह से दोस्तों, आप आसानी से अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक से। सिर्फ आपको रिमूव BG पे जाकर अपनी इमेज को अपलोड करना है जिसको आपने PNG बनाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको फोटोशॉप में PNG नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप एक क्लिक करें, आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। आपके एक शेयर से काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।